हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विद वन मोर वीडियो ऑफ मारुति विटारा ब्रीजा। जो किट लगाया इसमें हमने मोटरसाइन लगाया, इससे पहले हमने बहुत ब्रीजा लगाई है लवेटो COBD2। नाउ एज पर कस्टमर डिमांड इसके अंदर मैंने उनको कहा कि आप किट मोटरसाइन लगा लो और बेटर पिकअप के लिए इसमें डायनेमिक एडवांसर एड ऑन कर लो, आपको प्लेजर वही मिलेगा इवन बेटर देन लवेटो। तो जो किट लगाई, आई जस्ट गिव अ स्मॉल वर्क अराउंड। कम इसमें ये तो आपका फिलिंग वाल्व है जहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है। सॉरी, ये रिड्यूसर है, पीछे से जो भी गैस आ रहा हाई प्रेशर में आ रहा है, यहाँ रिड्यूस होके जितना इसको ECM से कमांड मिलता है उसी हिसाब से रिलीज हो रहा है। ये आपका इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है, और ये आपका ECM है, 48 पिन का ECM है मोटोजेन के अंदर, AB कंपनी का, इटली। देखो, मोटोजेन नाम का इंडियन किट है, मोटोजेन डजंट मैन्युफैक्चर एनीथिंग, मोटोजेन प्रोक्योर द बेस्ट पार्ट और उसको ICAT से अप्रूव करा के अपने डब्बे में डाल के वो बेचती है। अब ये ECM जो है आपका AB कंपनी का है, मेड इन इटली। ये रिड्यूसर जो है इनका इंपोर्टेड है रिड्यूसर, और ये इंजेक्टर भी इनका इंपोर्टेड है, असेंबल्ड होता है बट इट इज़ इंपोर्टेड। और ये फिलिंग वाल्व कैक्सॉन कंपनी बनाती है जो कि इंडियन कंपनी है, केवल फिलिंग वाल्व और सिलेंडर वाल्व बनाती है, क्वालिटी प्रोडक्ट है मोटोजेन। अब इसके अंदर किट के अलावा जो मैंने काम किया है वो बताता हूँ। सबसे मेन काम मैंने भाई साहब को कहा कि आप नॉर्मल एडवांसर लगाते हैं 19-20 का फ़र्क रहेगा, आप डायनेमिक एडवांसर लगाओ, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ मतलब कोई फ़र्क नहीं रहेगा, इट विल रन एज सेम एज पेट्रोल एंड इवन बेटर देन पेट्रोल। अब इसमें जो वायरिंग का काम किया मैंने, आपके डायनेमिक एडवांसर से ये वायरिंग जा रहा है और ECM से भी ये जो वायरिंग जा रहा है, ये सारा एक स्पाइरल ट्यूब में दे रखा है, जैसे मारुति ने अपनी गाड़ी में दे रखा है, सेम वैसे ही स्पाइरल ट्यूबिंग के अंदर आपका सारा वायरिंग जा रहा है स्पाइरल ट्यूबिंग के अंदर। अब इससे क्या है कि आपकी जितना मर्जी गाड़ी के अंदर हीट हो, आपका वायरिंग में कुछ नहीं होगा, और सारा हैज़र्ड जो है वायरिंग से ही होता है। अब ये वायरिंग वैसे ही है जैसे कंपनी ने दे रखा है, सेम वैसे ही हमने दे रखा है, आराम से 15 साल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इसके अंदर एक काम और किया हूँ, इंजेक्टर्स के कोई भी वायर कट नहीं है, ये सारा सॉकेट टू सॉकेट है, ये सारा कपलर टू कपलर वायरिंग है, सारा ये सारा कपलर टू कपलर है, सॉकेट टू सॉकेट। एक काम और किया हूँ इसके अंदर, देखो ये सब डब्बे में नहीं आता इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आपके कूलेंट कनेक्शन किया हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से आपके कूलेंट पाइप का कनेक्शन किया हूँ, दूसरा पाइप भी इधर से किया हूँ मैं। अब ये पाइप, दोनों पाइप ये आपके रिड्यूसर में आ रहा है, इससे बेनिफिट ये है, सी द क्वालिटी ऑफ द फिटिंग। इस एक तो टेम्परेचर सेंसर वहीं लगा है जहाँ पे लगा होना चाहिए, ये टेम्परेचर सेंसर ये यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ, ठीक है। और दूसरा इसमें जो है आपका, अब सर्दी भी आ रहा है, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। सर्दियों में क्या होता है, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर चलने के बाद कन्वर्ट होता है, ये कूलेंट कनेक्शन के बाद ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, और मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, एग्जॉस्ट एमिशन से अनबर्न गैस निकलता वो भी दिक्कत नहीं होगा, मज़ा आएगा इनको। तो इसके अंदर सारा काम करके दिया, जो क्वालिटी है वो करके दिया, एक गैस का फिल्टर भी लगाया ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ फिल्टर होके जाए, मतलब मेरा क्वालिटी वही है, जिस गाड़ी में जो लगना चाहिए वो लगा के देता हूँ। सुपर इंस्टॉलेशन, जस्ट सी द ओवरव्यू ऑफ द फिटिंग, वन ऑफ माई बेस्ट फिटिंग, सॉलिड फिटिंग, मज़ा आ जाएगा। मैं एक बार इसका बूट दिखाता हूँ, आइए। दिस इज विटारा ब्रीजा एंड जस्ट सी द क्लीनलीनेस, पूरा प्रॉपर एकदम। इस पर जो स्टैंड लगाया हमने, मोल्डेड पाइप स्टैंड विथ रबर ग्रिप, आप इसका स्टैंड का क्वालिटी देखो, आप एक बार में ये पूरा निकाल कर आपको दिखाता हूँ। देखो इसके अंदर जो मैंने शीट दिया, ये चौड़ी शीट दिया मैंने ताकि इसमें कभी आपका बॉडी क्रैक ना हो, उस साइड में भी दिया सेम। और इसके अंदर जो नट बोल्ट दिया, TVS कंपनी का नैलो लॉक नट बोल्ट दिया, एक बार फिक्स हो गया कभी लाइफ में लूज़ नहीं होगा। और डक्टिंग अभी फिट करूँगा, एक बार गैस डलने दो, लीकेज चेक करूँगा, फिर डक्ट फिट करूँगा। जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ द स्टैंड, आपका स्टैंड जो है मोल्डेड पाइप स्टैंड है, ब्रॉडर शीट के साथ और रबर ग्रिप के साथ, ये दोनों रिंग में रबर लगा हुआ है, दिस इज़ द क्वालिटी।
अब एक बार सीएनजी डलवाते हैं, सेटिंग करते हैं और ट्रायल लेते हैं। जो मेरा चैलेंज है मैं उस चैलेंज पे खड़ा रहूँगा। एक चीज़ और लगाया हूँ मैं इसके अंदर, जो फिलिंग वाल, साइट फिलिंग वाल लगाया मैंने, एनजीवी वाल, ये सेम वही जो कंपनी फिटेड मारुति के अंदर आता है, मेड इन जर्मनी, सेम वही वाल लगाया। इससे पहले चाइनीज़ वाल लगता था, वो चलता नहीं था। अब ये वाल पूरे लाइफ चलेगा, कहीं नहीं जाएगी। तो इसके अंदर मैंने फिलिंग आगे भी दे रखा है और यहाँ साइड में भी। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ कार एनर्जी वी हैव बीन गिविंग। इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मतलब इम्पॉसिबल टू इंस्टॉल ईच एंड एवरी कार। मज़ा आएगा इन भाई को। एक बार गैस डलवाते हैं, सेटिंग करते हैं और ट्रायल लेते हैं। सो हियर वी गो विद द फिलिंग इन द मारुति विटारा ब्रीजा। और इसमें जो हमने वाल लगाया है फिलिंग का, आपके साइड में भी लगाया, मेड इन जर्मनी मारुति का जो कंपनी फिटेड में आता है, और आगे भी लगाया। ये दोनों तरफ से आप ये डलवा सकते हैं। अब इसमें जो सिलेंडर लगाया हमने, 12 केजी का सिलेंडर लगाया। और ब्रीजा एक बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है, इसमें एवरेज बहुत बढ़िया है। 1500 सीसी होने के बावजूद लोकल के अंदर 18-20 की एवरेज दे देती है, और हाईवे पे जाओ तो 28-30-32 तक एवरेज दी है। एज़ पर कस्टमर, मेरे कई कस्टमर का फ़ोन आया कि भाई हाईवे पे गया 32 की एवरेज दी है, तो बहुत ही बढ़िया है। जो सिलेंडर लगाया हमने 12 केजी का लगाया, देखते हैं गैस कितनी आती है। लगभग 7.5 क्रॉस कर चुका है, 8 से 8.5 किलो गैस आराम से इसमें आ जाता है, 8 क्रॉस्ड। लगभग 8.5 किलो गैस आई है। अब चलते हैं, एक बार सेटिंग करते हैं और ट्रायल लेते हैं, देखते हैं गाड़ी कैसी चलती है। मारुति ब्रीजा BS6 एंड द किट इंस्टॉल्ड इज मोटोजेन BS6। और एज पर कस्टमर डिमांड इसमें डायनेमिक एडवांसर भी लगा दिया, ताकि 19-20 का भी फ़र्क ना रहे, गाड़ी चलाने में वही कंफर्ट रहे जो पेट्रोल में, बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़। तो आज भैया की गाड़ी में किट लगवाई, इन्होंने वीडियो से प्रेरित होके, मतलब इनका मन नहीं था लगवाने का, मतलब ये उससे वो होके आ जाए, सोनीपत से आए हैं लगवाने के लिए, लगा के दिया हूँ मैं अल्टीमेट। एक बार भैया से पूछते हैं फिटिंग और गाड़ी कैसी चल रही है। फिटिंग मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है आपकी, और जैसे वीडियो मैंने देखा है तो वैसा ही हुआ है। बाकी गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा लग रहा है, कोई डिफरेंस मेरे को अभी ऐसे लग नहीं रहा है कि CNG में चल रही है कि पेट्रोल में चल रही है। बाकी आगे भी नहीं रहेगा सर, बस आपने बस 3 चीज़ का ध्यान रखना है। थ्रॉटल बॉडी शुड बी क्लीन, खोल के स्पार्क प्लग क्लीन, एयर फिल्टर हमेशा जेनुइन। और कोशिश कीजिएगा 3-4 हज़ार किलोमीटर में एयर फिल्टर डस्टिंग कर दीजिए, उससे एवरेज बढ़िया रहेगा। बाकी आप गाड़ी चलाएं, मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इनको। ये गाड़ी एक्चुअली HR10 सोनीपत नंबर है, इनको पेपर फाइल मैं बना के दे दूँगा सोनीपत से ही, और ये अपना खुद जाके वहाँ RC पे चढ़वा सकते हैं। मेरा डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रहेगा, मेरी जो फिटिंग है सब कुछ प्रॉपर रहेगा, आराम से ये चढ़वा सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलो अब वीडियो एंड करता हूँ। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।